लैटरल, ये हो गया मीडियल, ये वाला राइट लंग है, ठीक है। यहाँ पर हाइलम होगा, मीडियल में मैं हाइलम होगा, कौन आया है देखो। इसके बाद राइट लंग में दो फिजर होगा, तो एक फिजर ऐसे होगा, ये हो गया ओब्लिक फिजर और एक हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फिजर। यहाँ पर क्या करो कि ये ऐसा फिजर है तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा करके एक सर्कल बनेगा ना, तो ऐसे करके ये भी तुम्हारा ऐसे ही जाएगा इसके थ्रू, और ये वाला नीचे है यहाँ पर ऊपर से जाएगा, ये फिजर हो गया। तो अब यहाँ पर बनाएंगे इसका ये, तो पहला में टी बनाना है, टी वाई वाई, एक दो और तीन, सेम चीज़ यहाँ पर, एक दो तीन। तो यहाँ पर नंबरिंग देखो कैसा होगा, वन टू थ्री, यहाँ पर वन, पर यहाँ टू थ्री, मिरर इमेज जैसा, वन टू थ्री। अच्छा, सिक्स जो होता है वो हमेशा एक ट्रायंगल टाइप का रहता है, कभी बीच में नहीं रहेगा, ऐसा बेढंगा शेप नहीं रहेगा, कोने में रहेगा। तो यहाँ पर सिक्स यहाँ इस कोने में होगा, तो ये हो जाएगा सिक्स। उसके बाद अच्छा, इस लैटरल साइड में हमारा सेवन प्रेजेंट नहीं रहेगा और मीडियल साइड में फोर प्रेजेंट नहीं रहेगा, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये वाला लोब में फोर एंड फाइव, यहाँ पर फोर एंड फाइव होना चाहिए था सेम साइड पे, बट जबकि इसमें फोर प्रेजेंट नहीं, तो सिर्फ फाइव होगा, ठीक है। अच्छा, एक अरेंजमेंट बस हमेशा रखना, जब भी सिक्स रहेगा ना, उसके साथ साथ जैसे पैरेलली सिक्स टेन नाइन एट, ऐसा वो सीरीज में रहेगा हमेशा। तो सिक्स हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली यहीं पर टेन होगा, यहाँ तो टेन नहीं होगा, यहीं पर होगा। अच्छा, नीचे में एक हमारा बेस के लिए वो कॉनकेव है, वो दिखाने के लिए एक ऐसा एक बना देना। अब उसके बाद मेरे को टेन चाहिए, तो टेन बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसका लेके, ये टेन हो जाएगा, फिर थोड़ा सा लेके नाइन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि नाइन बेस में है, तो नाइन मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा, और बाकी यहाँ पर सेवन थोड़ा कम रहता है, तो ऐसे करके बना सकती हूँ, यहाँ सेवन यहाँ एट, बेस में सिर्फ नाइन लिखना है। ये मीडियल हो गया, लैटरल साइड में सिक्स टेन नाइन एट, तो सिक्स यहाँ नहीं होगा, हमेशा दूर में ही होगा, यहाँ पर सिक्स हो गया। अच्छा, एक और एक देखोगे सिक्स टेन नाइन एट में है, तो यहाँ पर एट होगा, यहाँ टेन होगा, यहाँ एट होगा, बीच में नाइन होगा, एट के लिए यहाँ पर एट बना दो, कि यहाँ बीच से ऐसे डिवाइड कर दो, कितनी यहाँ टेन है, यहाँ नाइन है, सिक्स के लिए थोड़ा और जगह छोड़ देना, छोटा है स्केच पेन बड़ा है। ये हो गया हमारा लैटरल एंड मीडियल व्यू ऑफ राइट लंग। उसके बाद लेफ्ट लंग में आते हैं, लेफ्ट लंग में ऐसा, ये वाला कार्डियक नॉच की वजह से ये सी है, और सेम चीज यहाँ पर भी, यहाँ पर भी तुम्हारा नॉच रहेगा, ये वाला नॉच इस तरफ पॉइंट कर रहा था, ये वाला नॉच इस तरफ पॉइंट करेगा, नॉच बना लेना। उसके बाद लेफ्ट लंग में सिर्फ एक फिशर होता है, एक ऐसा फिशर बनेगा, ठीक इसके ऑपोजिट में बने रहे यहाँ पर ऐसे, ये हो गया तुम्हारा लैटरल साइड, ये हो गया मीडियल साइड, ये है तुम्हारा लेफ्ट लंग, और लेफ्ट लंग हुआ। अच्छा, दोनों में सेवन नहीं रहेगा, यहाँ पर सेवन नहीं था, फोर नहीं था, यहाँ पर सेवन नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ सेगमेंट बनाएंगे, सेगमेंट बन रहे यहाँ पर, ये वाला लाइन है ना, ठीक इसके थोड़ा सा बीच, मतलब ये जो नॉच ऐसे जो थोड़ा उठा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, और इसको पैरेलल डिवाइड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक ऐसे पैरेलल लाइंस है। ये थ्री जो होगा एक वी बनेगा, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, थ्री फोर फाइव, सिक्स हमेशा ट्राइंगल बनता है, सो सिक्स यहाँ बनेगा सिक्स, और सिक्स टेन नाइन एट एक पैरेलल से, तो यहाँ पर तो एट होगा या नाइन होगा या टेन होगा, सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर टेन लिख देंगे, यहाँ नाइन, यहाँ एट, ये लैटरल साइड हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इसके यहाँ
से एक पैरेलल, जैसे एक लाइन है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, थ्री फोर फाइव यहीं पर ही एडजस्ट करना है, तो कैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा इक्वल दिखाकर यहाँ हो जाएगा थ्री, यहाँ हो जाएगा फोर, यहाँ हो जाएगा फाइव, सिक्स तुम्हारा जैसे यहाँ पर है तो इसका भी यहाँ पर भी बनेगा ट्राइंगल में, यहाँ पर तुम थोड़ा सिक्स बना ली, नीचे में भी यहाँ पर वो जैसे बेस तुम्हारा कॉनकेव है यहाँ पर बेस दिखाना पड़ेगा, सो बेस जैसे बेस दिखा दोगी, सिक्स टेन नाइन एट का सीरीज में होगा, सो यहाँ से थोड़ा सा टेन और यहाँ से नाइन एट, ये हो गया हमारा मूल बच्चे।